छत्तीसगढ़ के हो जाते कहीं के ऐसन की माटी मोर छत्तीसगढ़ के। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इन्फो प्राइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी मैं हूँ खेत में और आज हम करवाने आए हैं निंदाई का काम। निंदाई का काम क्या होता है और ये क्यों जरूरी होता है खेती में, ये आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। का काम तो बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन आज शूट करने का मन किया और आपको दिखाने का मन किया, तो आज इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ। जानते हैं ये हमारा जो हाईवे रोड है वो है जो पहाड़ किनारे दिख रहा होगा आपको, और ये हमारा बोर और यहीं पर से हमारा खेत है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने और भी वीडियो में बताया है, और उस टाइम जब हम लोग आए थे खेत में तो कुछ इस तरीके के धान नहीं थे, और अभी देखिए कितने बड़े हो गए हैं। छोटे छोटे धान थे जब हमने लगाया हुआ था खेती, तब हम आए थे, उसके बाद अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। और अभी ये खेत में धान इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। इस तरीके के धान में बहुत सारे अभी बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़े अभी तक नहीं हुए हैं। इस वजह से अभी इसमें धान को बचाने के लिए इसमें दवाई छिड़का गया है, और दवाई छिड़कने के साथ साथ जो घास फूस होते हैं उनको निकालने के लिए निंदाई किया जाता है, और निंदाई करके ही ये जो घास होते हैं वो निकल पाते हैं। ऐसे दवाई छिड़क कर नहीं निकाल सकते इनको या मार नहीं सकते, इस वजह से हो सकता है कि आपको धान का नुकसान भी हो जाए, तो इससे बचाने के लिए निंदाई करवाना जरूरी हो जाता है। दिखाई दे रहे होंगे धान की निंदाई करते हुए, चलिए उनके पास लेके चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से निंदाई होती है। वैसे जिन लोगों को मालूम नहीं होगा उनको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 80% लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं और बाकी 20% नौकरी पर। ये वाला ला का बोलते हैं? तो ये वाला जो घास है अक्सर मैदानों में मिलता है, ऐसा भैया का कहना है, क्योंकि ये अक्सर मैदानों में ही उगते हैं। जितने भी सारे खेत देख रहे हैं वो उसमें निंदाई का काम हो चुका है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो घास फूस या जो अनचाहा जो प्रोडक्ट था उसको निकाल दिया गया है, और इसीलिए इसका काम करवाया जाता है। इसलिए यहाँ आना पड़ रहा था क्योंकि भाई दवाई छिड़कवाने के काम में बिजी था, तो इसलिए मुझे हेल्प करने की जरूरत पड़ रही थी। अभी आ चुका है तो मुझे जल्दी जाने का टाइम मिल जाएगा। और गांव के खेतों में लगे हुए फसलों को ऐसे लहराते हुए देखना काफी मजेदार होता है। और अभी हमारे जाने का समय हो गया, तो अभी चलते हैं हम घर की ओर।
छोड़ा था, ये नहर के पास है और उस तरफ है हमारा खेत, जहाँ पर मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो ये बोर दिख रहा है। तो इतने दूर में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है बाइक जा नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पर छोड़ना पड़ता है बाइक को। और देख के पता चल ही गया होगा कि पिताश्री का बाइक है। ये रास्ता है और ये है हमारे यहाँ का तालाब। चलिए तालाब भी दिखाते हैं आपको। जब हम लोग छोटे थे तब यहाँ हम लोग नहाया करते थे, और वो जो खम्भा दिख रहा है उस खम्भे तक हम लोग यहाँ से तैर कर जाया करते थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।